If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important and demandable topic that is related to JNCSR interview experience and JNCSR interview process. तो बहुत सारा स्टूडेंट्स जे एन सी एस आर का जो टू थाउजेंड का इंटीग्रेटेड पीएचडी मास्टर उस, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट हुआ है तो जो जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ गया फॉर बायोलॉजिकल साइंस केमिकल साइंस मटेरियल साइंस एम केमिस्ट्री सबके लिए तो जो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ उनका लिस्ट आ गया ठीक है तो इंटीग्रेटेड पीएचडी केमिकल साइंस में अराउंड 56 स्टूडेंट्स को एंड एमएससी केमिस्ट्री में 66 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया एंड इसके बेसिस पे अराउंड 10 टू 12 और 16 स्टूडेंट को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड और मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री तो अराउंड फाइव टू एट सीट्स रहते हैं हर साल पार प्रोग्रामीग्रेटेड पी एच और एम प्रोग्राम में ठीक है थीके? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहा था कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने के लिए एंड उसके साथ साथ आ, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू प्रोसीडियर कैसे होता है इसके बारे में तो हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुआ है मैं देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमेंट भी किया है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो में थोड़ा बहुत हेल्प तुम्हें मिल सकता है क्योंकि हमारे टाइम में जैसे क्वेश्चन पूछा था इस टाइम पर भी अराउंड उसके आसपास ही पूछा जाएगा या फिर डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन अप्रोच तुम्हारा सही होना चाहिए ठीक है तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट अगर ठीक ठाक है अप्रोच अगर सही रहे तो तुम सिलेक्ट हो सकते हो ठीक है तो देखो हमारे टाइम में जो इंटरव्यू हुआ था ऑफलाइन मोड में हुआ था मतलब हमें जे में जे जा, में जाना पड़ा एंड वहां पर जाके इंटरव्यू देना था दिया था ठीक है तो वहाँ पर अराउंड फिफ्टीन के आसपास या फिर फिफ्टीन सिक्स सिक्सटीन ऐसे कुछ प्रोफेसर्स था उनके आ, आ, सामने जाके इंटरव्यू देना पड़ा तो नर्वस फील हो रहा था उस टाइम पर जाके एंड वहाँ पर एक डर था कि आ, प्लेन प्लेन के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू आया था पैसा बहुत खर्चा हुआ था उसके बाद इंटरव्यू देने आया था सिलेक्ट होगा कि नहीं, नहीं तो आ, मतलब फिनेंशियल बैकग्राउंड जिनका ठीक नहीं है तो दिमाग में ये सारे थिंग्स घूमता रहता है कि सिलेक्ट नहीं हुआ तो पैसा बहुत वेस्ट हो गया ऐसे सारे थिंग्स ठीक है लेकिन अभी जो प्रोसीड्योर है ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो जो जो स्टूडेंट्स को मतलब पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स से स्काइप आई मांगा था तो स्टूडेंट्स ने स्काइप आई दिया होगा तो स्काइप के थ्रू तुम्हारा इंटरव्यू होगा ठीक है तो इंटरव्यू का जो प्रोसीड्योर है पहले तुम्हें मतलब जस्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर तुम तुम्हारा नेम तुम कहां से हो तुम्हारा बी एस सी कहाँ से है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या क्या है ये सारे थिंग्स तुम्हें बताना होगा ठीक है उसके बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारा फेवरेट या फिर स्ट्रॉन्ग पोर्सन कौन सा है तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी का इनऑर्गेनिक हो सकता है किसी का इनऑर्गेनिक फिजिकल हो सकता है किसी का ऑर्गेनिक हो सकता है तो जिसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज तुम बता रहे हो कि मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा है तो इनऑर्गेनिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इनऑर्गेनिक फिजिकल बताओ अगर तुम तो इनऑर्गेनिक फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेनिक बताओगे तो ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे टाइम में मैं बताया था इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तो मेरे को अराउंड 20 तो क्वेश्चन पूछा था उसमें से 16 और 15 क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल से ठीक है तो तुम्हारा जो स्ट्रांग पोर्शन है तुम्हारा जो फेवरेट पार्ट है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारा जो सब्जेक्ट है तो वही बताना अदरवाइज दिक्कत में आ सकता है क्योंकि तुम जो स्ट्रांग पोर्शन बताओगे तुम्हारा जो फेवरेट जो पार्ट लगता है वो उसके बेसिस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन होगा ठीक है और उसके बाद मतलब जो तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है तुम्हारा अप्रोच कैसा है एंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्सन से तुम कैसे क्वेश्चन को आ, मतलब टैकल कर रहे हो सपोज तुम्हारा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल इंपॉर्टेंट है मतलब फेवरेट है तो उस पर्टिकुलर पार्ट part से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड वहां से तुम कैसे आंसर दे रहे हो और ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेक्शन के लिए अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा है ऑर्गेनिक से ज्यादा मतलब सपोज फाइव सिक्स क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑर्गेनिक तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ आंसर आंसर अच्छे से नहीं दे पाया ऑर्गेनिक में तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा लेकिन तुम्हारा जो फेवरेट पोर्सन है स्ट्रॉन्ग पोर्सन है उसमें से अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तुम अच्छे से आंसर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का आंसर पूरा हंड्रेड परसेंट करेक्ट होगा तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा ऐसे नहीं तुम्हारा अप्रोच अगर सही रहा सपोज कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारा अगर अप्रोच सही रहा तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है ठीक है तो मेरे टाइम में जो अराउंड सिक्सटीन क्वेश्चन पूछा था उसमें से ये मान सकते हो कि पहले जो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा था कि अराउंड स्ट्रक्चर रिलेटेड केमिकल बॉन्डिंग का कि बेंड्स रूल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कालर प्रोपर्टी जैसे सी ओ सी एल फोर टू माइनस एंड सी ऊ सी एल फोर टू माइनस जो स्ट्रक्चर uh, है इसका स्ट्रक्चर क्या है सी ओ सी एल फोर का टू माइनस का और सी यू सी एल फोर टू माइनस का एंड इसका कालर इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होगा तो लैफोटे फॉरबीड एंड लेफोटे सिलेक्शन रूल ये सारे uh, जो एक्सप्लेन करके जो जो आंसर्स है ये सारे थिंग्स तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेल डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जॉन टेलर डिस्टर्सन क्वेश्चन जॉन टेलर डिस्टर्सन जो होता है डी नाइन सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर स्पिन स्टेट इक्विलिब्रियम जैसे डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन ये जो कॉम्पाउंडस होता है इस पर्टिकुलर आयरन का जो जो कॉम्पाउंड होता है तो उस पर्टिकुलर कॉम्पाउंड में स्पिन स्टेट इक्विलिब्रियम कब दिखाता है क्यों दिखाता है ये सारे थिंग्स ठीक है उसके बाद और भी क्वेश्चन जैसे आई थ्री माइनस का स्ट्रक्चर आई थ्री माइनस में थ्री लोन पेयर रहता है थ्री लोन पेयर होता है वो थ्री लोन पेयर क्यों इक्विटोरियल पोजिशन पे बैठते हैं एक्सीएल पे क्यों टू आई बैठते हैं ये सारे बेंट्स रूल के थ्रू जैसे एक्सप्लेन होता है ये सारे थिंग्स मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके बाद मेरे को फिजिकल से क्वेश्चन पूछा था जैसे फेज डायग्राम से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम देन भेंट ऑफ इक्वेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था फेज से ठीक है एंड उसके बाद केमिकल uh, काइनेटिक्स में आके केमिकल काइनेटिक्स का जो के वर्सेस टी के वर्सेस वन बाई टी एट हायर टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर यह सारे ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे को पूछा था तो तुम ये सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल में तो तुम ईजिल टैकल कर सकते हो अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन uh, है मेरे मेरे, मेरे का मेरा दो तीन फ्रेंड को ये क्वेश्चन पूछा था कि डीजल रेड रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा था आ, उसके बाद कुछ रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा था आ, उसके बाद हेटरोसाइक्लिक से कुछ क्वेश्चन पूछा था तो तुम्हारा जो पोर्शन होगा मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन फेवरेबल पोर्शन उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हमारे टाइम में जो ऑफलाइन मोड में हुआ था अभी तो इस साल ऑनलाइन मोड में होगा एंड ये जो इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन में जब इंटरव्यू दोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम ध्यान में रखना जैसे तुम्हारा डिवाइस जो कौन सा डिवाइस है तुम इंटरव्यू दे रहे हो उसका चार्ज अच्छे से फुल्ली चार्ज होना चाहिए ठीक है साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए ईयरफोन या फिर जो हेडफोन यूज़ कर रहे हो ये सारे थिंग्स ठीक से काम करना चाहिए ठीक है जिस रूम में बैठ के तुम इंटरव्यू दोगे वहाँ पर के कुछ नहीं होना चाहिए आवाज़ नहीं आना चाहिए लाइट अच्छे से आना चाहिए ठीक है ये सारे थिंग्स एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी सपोज आंसर कर रहे हो कुछ इस पर्टिकुलर ऐसे पेज में आंसर करके तुम्हें कैमरा पे ऐसे दिखाना होगा तो जो पेन में यूज़ करके हो स्केच पेन यूज करना ताकि उसको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो कैमरा में ऐसे जाके तुम दिखा सकते हो अदरवाइज अगर तुम्हारे पास कुछ बोर्ड है व्हाइट बोर्ड तो बोर्ड में भी अच्छे से बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करके या फिर कैलकुलेट करके तुम दिखा सकते हो कैमरा के थ्रू ठीक है तो ऑनलाइन में हो रहा है तो थोड़ा थो थो ये सारे टेक्निकल थिंग्स देखना पड़ेगा नहीं तो इंटरव्यू का टाइम में अगर कुछ हो गया तो बैड इंप्रेशन आ सकता है ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए तो लाइट कलर का कुछ ड्रेस पहन सकते हो ये सारे थिंग्स है तो इंटरव्यू का जो प्रोसीड्योर है पहले इंट्रोडक्शन होगा तुम्हारा तुम तुम्हारा नेम कौन सा कॉलेज से हो ये सारे डिटेल्स ठीक है बैकग्राउंड ये वगैरह बताना होगा एंड उसके साथ साथ तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्सन कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग पोर्सन बताओगे उसके बेसिस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो स्ट्रॉन्ग पोर्सन का क्वेश्चन अच्छे से आंसर देना उसके बाद ही जो जो और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे नहीं कि आ, मतलब पूरा करेक्ट आंसर देना होगा अगर तुम थोड़ा सा भी अप्रोच सही दिखाया प्रोफेसर बहुत हेल्प करते हैं ठीक है अगर तुम सपोज तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा तुम्हें आंसर नहीं आ रहे हो तो तुम्हें हिंट देता है तो हिंट के थ्रू भी तुम मतलब थोड़ा बहुत अगर अप्रोच दिखाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है तो डरने का कोई जरूरत नहीं है हेल्पफुल है वो, सारे प्रोफेसर्स एंड उसके थ्रू तुम्हें मतलब अप्रोच भी थोड़ा सही दिखाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो अराउंड फाइव टू एट के आसपास सीट्स रहता है केमिस्ट्री के लिए और इंटीग्रेटेड पी के लिए केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड पी तो मेटेरियल साइंस के लिए भी जो फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट होगा फिजिक्स से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा एंड जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड होगा तो केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो कलर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है स्पिन स्टेट इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन फेज से क्वेश्चन थार्मोडिनामिक्स से क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स ये सारे थिंग्स से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अच्छे से प्रिपेयर करो तुम्हारा बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहा अप्रोच uh, अगर सही रहा तो तुम ईजिली ये सारे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो ठीक है सो दैट सॉल सो अच्छे से प्रिपरेशन करो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्सन है उस उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो जो स्ट्रक्चर्स है जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर उसके साथ साथ रूटाइल स्ट्रक्चर ठीक है एलेफ थ्री का स्ट्रक्चर उसके साथ साथ जो पेरऑफ का स्ट्रक्चर ये सारे थिंग जो जो स्ट्रक्चर्स है सॉलिड स्टेट का ये भी अच्छे से देख लेना ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर फिर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड मेरा जो टिप्स रहेगा तो सारे जो जो बेसिक्स है तुम्हारा जो जो स्ट्रांग पोर्सन है उसको अच्छे से प्रिपर, आ, मतलब प्रिपरेशन करो एंड केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑर्गेमेटलिक केमिस्ट्री आ फेज फेज डायग्राम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडिनोमिक्स ये सारे कुछ चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना एंड फिजिकल इंपॉर्टेंट है तो फिर वन डी बॉक्स टू डी बॉस ये सारे जो जो क्वांटम रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा देख लेना कुछ क्वेश्चन पूछा सा मतलब पूछ सकता है ठीक है एंड ऑर्गेनिक से अगर होगा तो डी सेल रिएक्शन रिएजन केमिस्ट्री थोड़ा नेम रिएक्शन्स सिंथेसिक जो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिक रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है So that's all. So, if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So, thank you for watching. See you in the next video. है hey गाइज हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर में जाकर चेक कर सकते हो इंस्पायरिंग मेटरशिप तो यहाँ पर बहुत सारा कोर्स आने वाला है अभी फिलहाल एम एस सी एंट्रेंस एकदम प्रिपरेशन रिलेटेड एक कोर्स आया है इसके लिए ऐप पे जाना है उसका होम पेज में स्टोर करके एक ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद तुम्हें कोर्स मिल जाएगा वहाँ पर क्या क्या मिलेगा जैसे टॉपर स्ट्रेटेजी उसके बाद मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज नोट्स वीकली लाइव सेशन सारे डिटेल्स तो जो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है तो टू सेवेंटी रूपीज़ में तुम ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स में